लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में लग गए हैं। वहीं उत्तराखंड सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज झवरेड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पूर्व से निर्धारित चुनावी जनसभा में पहुंचे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हरिद्वार लोकसभा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में धामी ने जनसभा के दौरान कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य की नहीं बल्कि देश में विकास की गंगा बहाई है। चुनाव में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप त्रिवेंद्र जी को भारी बहुमत से यानी कि 2014 और 2019 के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे, एक नया रिकॉर्ड आप कायम कर देंगे। भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सशक्त बना है, समृद्ध बना है और शक्तिशाली बना है। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों में 12 करोड़ गरीबों को हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हुआ है। देश के अंदर 7 लाख से ज्यादा घरों में इससे पानी पहुंचा है। 10 करोड़ शौचालय बने हैं, करीब 2 लाख शौचालय उत्तराखंड में भी बने हैं और जहां 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। उत्तराखंड में भी अनेक अनेक लोगों को आज एक बड़ी संख्या है, 10 लाख के लगभग, जिनको उत्तराखंड में आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मार्च 2020 में प्रारंभ हुई और उसको 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया है, जो कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए शुरू किया था कि किसी गरीब के घर का चूल्हा न बुझे, किसी को खाली पेट न सोना पड़े, भूखे पेट न रहना पड़े, उसका जीवन चलता रहे, उसका परिवार चलता रहे। भाइयों बहनों, ये गरीब कल्याण अन्न योजना में भी 80 करोड़ लोगों को आज भी लगातार राशन देने का काम हो रहा है। मोदी जी ने पिछड़े, दलित, वंचित, आदिवासी, अनुसूचित सबको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेकों कदम उठाए हैं। 75 साल में पहली बार देश के अंदर ऐसे परिवर्तन हुए हैं, आपने देखा होगा, जो पहले पद्मश्री मिलते थे। 5 अप्रैल को हरिद्वार ऋषिकुल मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लक्सर चुनाव कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं की संख्या पर चर्चा की गई। साथ ही लक्सर विधानसभा से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हरिद्वार ऋषिकुल मैदान में पहुंचेंगे, जिससे लक्सर विधानसभा से 15 बसों में मंडल व बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता भाग लेंगे। राकेश राजपूत, संयोजक हरिद्वार, ने बताया कि आगामी 5 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और उन्हें चुनाव संबंधी जीत के मंत्र भी देंगे। इसके बाद जेपी नड्डा हरिद्वार में 2 किलोमीटर तक रोड शो भी करेंगे। आज लक्सर नगर की यह बैठक थी और लक्सर विधानसभा में जितने भी अपने बूथ के कार्यकर्ता हैं, बूथ के कार्यकर्ता का मतलब कि बूथ का अध्यक्ष हमारे, बूथ का प्रभारी और BLA 2, ये 3 लोग एक बूथ से उस बैठक में भाग लेने वाले हैं। अपने शक्ति केंद्र के संयोजक और प्रभारी और हमारे जो मंडल के पदाधिकारी या जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वो सब इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 तारीख को 1 बजे ऋषिकुल मैदान में सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठने वाले हैं। रोड शो, उससे पहले रोड शो है और बाद में उनकी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग है।